नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और जैसा कि दोस्तों आज धनतेरस का बहुत बड़ा त्यौहार है और आज के दिन ना हम सब सारे घर के काम निपटा के, साफ सफाई निपटा के आज के दिन फिर हम बढ़िया सी शॉपिंग पे चले जाते हैं, है ना। दिवाली की और स्टार्ट हो जाता है शॉपिंग करना हमारा, अब तो चलता ही रहेगा दिवाली तक और भैया दूज तक, है ना। तो बिल्कुल आज बहुत सुंदर सा त्यौहार है और आज के दिन तो मेरे ख्याल से सभी शॉपिंग में निकलते ही होंगे, है ना कुछ तो लेके आना ही होता है घर पे। तो बिल्कुल दोस्तों, तो मेरे बहुत से बहन भाई पूछ रहे थे कि धनतेरस वाले दिन हम कौन से ऐसे शुभ प्लांट लगाएं जो कि अच्छे हों। वैसे तो सारे शुभ होते हैं दोस्तों, मैं इस तरह कैसे सेलेक्ट कर दूं, लेकिन फिर भी चलो मैंने किए आपके लिए जो आपके घर के लिए भी शुभ है और जिसको कि ना दोस्तों धन से भी जोड़ के देखा जाता है। आज वो वाले प्लांट डिस्कस करेंगे कि आज के दिन अगर वो प्लांट आप घर में लाते हो, लगाते हो तो बहुत शुभ रहेगा। अगर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उनकी पूजा कर लेना और अगर नहीं है तो ट्राई करो फिर लाने के लिए, है ना। जैसे शॉपिंग पे तो जाओगे, थोड़ी बहुत प्लांट्स की भी शॉपिंग कर लाना। तो आते हैं अपने बैकयार्ड गार्डन में और यहीं से मैं आपको कुछ प्लांट सेलेक्ट करके बताऊंगी कि जो आपके घर के लिए शुभ हैं और वाकई में दोस्तों उसको धन की देवी लक्ष्मी के साथ या कुबेर के साथ, इन चीज़ों के साथ जोड़ के भी देखा जाता है कि उनकी कृपा बनी रहती है घर में अगर हम ये वाले प्लांट चूज करते हैं, अपने घर में लगाते हैं और उनकी ग्रोथ फिर बढ़िया से होती है। तो सबसे पहला दोस्तों जो मेरा पसंद का प्लांट है और मैं बड़ा लकी मानती हूँ इसको, तो वो है दोस्तों शमी का प्लांट। तो ये बहुत शुभ है दोस्तों, अगर आपको मिल जाता है तो बिल्कुल आप लेके आना। और बड़ा कॉमन सा प्लांट है, रफ टफ प्लांट है, रियली आपको नर्सरी में मिल ही जाएगा ये। इस वक्त आए भी हुए हैं इसके प्लांट क्योंकि मैंने देखे थे नर्सरी में, तो बिल्कुल इसकी ट्राई करना अगर आपको ये मिल जाता है ना, सुपर बेस्ट प्लांट है आज के लिए अगर आप लगाते हो तो इसको। और इसका दोस्तों लगाने का जो कोण बताते हैं घर में, डायरेक्शन बताते हैं, तो वैसे तो इसका ईशान कोण बनता है उत्तर पूर्व का, लेकिन अगर आप अपने घर के एंट्रेंस के अंदर की तरफ से दाईं तरफ लगा देते हैं ना, दाईं मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं, बाहर तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, ठीक है ना। अंदर की तरफ से अगर आप कहते हैं इसको दाईनी तरफ लगा देते हैं ना गेट के, तो बहुत शुभ रहता है। मैंने भी लगा रखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो बिल्कुल अगर आप इसकी आज पूजा करते हैं लगाने के बाद, तो आप वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे अपने कारोबार में, धंधे में। क्योंकि दोस्तों दिवाली का त्यौहार ना एक तो बड़ा खुशियों वाला होता है, इसको ना थोड़ा सा हम धन संपत्ति से जोड़ के देखते हैं, है ना। पूजा वगैरह करते हैं धन लक्ष्मी की, ताकि है ना धन है तो सारी सुख सुविधाएं ऑलरेडी आ ही जाएंगी, है ना। तो बिल्कुल अगर आप ये वाले प्लांट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाले लगाते हो तो ये सुपर बेस्ट प्लांट है आपके घर के लिए। तो सबसे पहला प्लांट यही मान लो आप शमी का है, अगर लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोस्तों आप इसे चाहे छोटे गमले में लगाओ चाहे बड़े में। तो पीछे तो मेरे ये छोटे से गमले में लगा हुआ है, ये देखो कितना फैला हुआ है। और जैसा कि दोस्तों कहते हैं कि जितने अच्छा ग्रो करता है ना घर में, उतनी ही माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। तो बिल्कुल लगाओ इसको, है ना, और इसके बारे में सर्च करना हो फिर अलग से मेरी वीडियो देख लेना। इन सभी प्लांट्स में ना अलग अलग से भी मैंने एक एक सिंगल वीडियो बना रखी है, लेकिन फिलहाल अभी आप आज जल्दी में हो गए, त्योहारों की जल्दी है, तो फिलहाल से ये जल्दी जल्दी से प्लांट देख लो। और जो नहीं है ना आपके पास, बिल्कुल अगर जा ही रहे हो, बीच में कोई नर्सरी पड़ती है या ऐसा कोई एरिया पड़ता है जहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं आपके घर के आसपास, तो बिल्कुल आप इसको ला के लगाओ जो जो मैं आपको प्लांट बता रही हूँ। तो शमी का प्लांट दोस्तों बहुत शुभ होता है और भगवान शनि से भी रिलेट करके इसको देखा जाता है। और बिल्कुल नेक्स्ट प्लांट अपना मनी प्लांट है, इसका नाम ही मनी प्लांट है, तो अगर आपके घर में अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इसको भी आप किसी भी छोटे गमले में या बड़े गमले में जैसे मर्जी लगा दो। मैंने वीडियो बना रखी है कि छोटे गमलों में भी आपने किस तरीके से लगाना है। अगर आपके पास फिलहाल एकदम से जल्दी से बड़ा पॉट भी नहीं है, तो छोटे गमले में भी आप लगा के घर में, चाहे आपका छोटा घर है उसमें भी आप लगा के छोटे छोटे गमलों में, तो शुभ कहते हैं इसको भी, है ना। और अगर अच्छी ग्रोथ होती है आपके घर में तो फिर रिलेट करके देखा जाता है कि वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा सभी बरकत के लिए। मतलब ये कह लो दिवाली पे ही नहीं, ये तो वैसे भी लोगों के घरों में होता ही है, लोग लगाते हैं इसको अपनी ग्रोथ से, समृद्धि से जोड़ के देखते हैं इसको। लेकिन अगर वाकई में हम धनतेरस के दिन इस प्लांट को लगा लेते हैं तो वेल एंड गुड, है ना। अगर है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं है तो भले ही आप गमला भी ना लाओ, कोई छोटा मोटा पॉट पड़ा हो ना उसमें भी लाके लगा दो। ये तो दोस्तों किसी के आसपास से कटिंग भी ले आओगे ना तब भी चल जाएगा।
तो देख लो किसी के घर के आसपास लग रहा हो, है ना, बाहर की तरफ लग रहा हो, एक छोटी सी डंडी ले आओ रूट के साथ, और लगाना मैंने बता रखा है, तो एक बार वो देख लेना, और छोटे गमले में कैसे लगाना है, थोड़ा सा लिटा के तो उस तरीके से आप लगा लेना। तो ये भी दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है। तो आज मैं आपको वही मेन मेन प्लांट बताऊंगी जो कि आप आज के दिन लगा सकते हो, और पौधा तो लगेगा ही घर में, है ना, और दूसरा आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मैंने धनतेरस के दिन ना ये लकी प्लांट्स लगाए हैं, जिनको कि घर की सुख समृद्धि से जोड़ के देखा जाता है। तो सेकंड नंबर पे दोस्तों मेरा मनी प्लांट है, इसको भी आप कैसे मर्जी लगाओ, या मूस्टिक लगा के लगाओ, या ऐसे ही छोटे से पोट में लगा दो, तब भी आपका खूब बढ़िया चलेगा। तो एक बार मनी प्लांट वाली वीडियोस मेरी देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा और आपको आइडिया मिल जाएगा इसको लगाने का, फिर आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा भी, लगेगा भी, जैसा कि मेरा चल रहा है, देखो, है ना, इतना हरा भरा है। मैं इतनी कटिंग काटती हूँ दोस्तों यहाँ से, क्योंकि ये बढ़ भी काफ़ी जाता है। और थर्ड दोस्तों, बहुत ऑस्पिशियस प्लांट मानते हैं आज के दिन, और माँ लक्ष्मी की भी पूजा दोस्तों लाल रंग के फूलों से की जाती है, गणेश जी की भी की जाती है, उन दोनों को ही पसंद है ये। तो दोस्तों कहते हैं गुड़हल का प्लांट भी अगर आप आज के दिन घर में लगाते हो तो बहुत शुभ माना जाता है, और इसके फूल दोस्तों घर में अगर खिलते हैं तो वो सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हमारी देवियाँ हैं उन पे गुड़हल के फूल ही चढ़ाए जाते हैं, और हमारे गणेश जी पे भी। और ये देखो मैंने भी छोटे छोटे गमलों में बिल्कुल लगा रखे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी जगह की जरूरत है, बड़ा सा गमला लाना है, तो मैंने तो दोस्तों इसको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में उगा रखा है। तो बिल्कुल आपको अगर प्लांट अवेलेबल हो जाता है तो ठीक है, घर में कोई गमला भी नहीं है तो कोई भी आपके पास छोटी सी चीज़ पड़ी हो ना घर में, उसमें भी बेशक आप लगा दो। तो इसको भी दोस्तों बहुत शुभ मानते हैं गुड़हल को भी, चाहे आपकी देसी वेरायटी हो, इंग्लिश वेरायटी हो, आपको जैसी मर्जी मिल जाए, ज़्यादा अच्छी वैसे देसी रहती है ना, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है और रफ एंड टफ होती है थोड़ी सी, इतना ज़्यादा जितना कि हम हाइब्रिड वाली पे ध्यान देते हैं इतना ज़्यादा भी नहीं ध्यान देना पड़ता। और ये देखिए इस मौसम में ना इसकी ग्रोथ आपको नर्सरी में भी बहुत अच्छी मिलेगी, तो बिल्कुल जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल जाके इस प्लांट को लेके आओ, लगाओ। और ये दोस्तों सिंगल पेटल्स में भी आते हैं, डबल पेटल में भी आते हैं, एक वाइट कलर का भी आता है, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और इस तरह से ये लाल वाले तो आप देख ही रहे हो, और ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे गमलों में लगे हुए हैं, कोई इतने बड़े गमले नहीं है, तो उससे भी छोटा है, और सारे मैंने इधर धूप की तरफ रख रखे हैं। तो अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, आपको पता होगा कितना शुभ है ये, है ना, फूल आते हैं इसके इस मौसम में, और सारे पूजा वगैरह में भी लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं दोस्तों वैसे तोड़ती नहीं हूँ, जब सूख जाए ना, जैसे अब आपके सामने तोड़ा है, पुराना हो गया, तभी तोड़ती हूँ, वैसे तो भगवान जी ने खिलाए हुए हैं, है ना बस। लेकिन हाँ, घर के लिए बहुत शुभ होते हैं दोस्तों ये, जैसा कि हम आज बात ही कर रहे हैं धनतेरस वाले दिन कि कौन से लकी प्लांट्स आप लगा सकते हो, तो ये भी दोस्तों एक प्लांट है। और ये देखो एक छोटे से गमले में लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप फिर ना ये होगा, आपको ये लगेगा कि हाँ मैम ठीक कह रही हैं, छोटे छोटे गमलों में भी, एक बिल्कुल छोटा सा डब्बा है ये वाइट कलर का, उसमें लगा हुआ है, और देखो कितना ऊपर तक जा रहा है, और खूब फूल खिलते हैं इसमें डेली, मतलब एक फूल तो खिलेगा ही खिलेगा, मतलब ये है जो पहले वाला होगा वो थोड़ा सा मुरझा जाएगा या सूख जाएगा, लेकिन एक नया फूल फिर डेली खिलता है इसमें। तो और है बिल्कुल छोटा सा गमला ये, बस रखना इसने आपको थोड़ा सा धूप की साइड है, और लगाने के बाद एक दो दिन थोड़ा सा शेड में रखना है आपने, फिर आप धीरे धीरे इसको धूप में रख देना। और ये देखो ये भी छोटे से डब्बों में लगा रखे मैंने, कटिंग्स भी इसकी काट काट के मैं लगाती रहती हूँ, आगे वाला एरिया है ये देखो। तो बिल्कुल ये प्लांट भी दोस्तों बहुत शुभ है, और मुझे अच्छा लग रहा था आपके साथ इसको भी शेयर करना, क्योंकि इसके फूल और इसके प्लांट घर के लिए बहुत शुभ होते हैं, जितने अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे उतना आपको वैसे भी देखने में अच्छा लगेगा, और घर के लिए भी बहुत शुभ है ये। और ये दोस्तों इंग्लिश वाला आप पूछोगे, हाइब्रिड वाला जिसको बोल देते हैं, तो इसका ना थोड़ा सा फूल का साइज बड़ा आता है, मल्टी पेटल्स होती हैं और बहुत बड़ा साइज होता है इसके फूल का। और ये है दोस्तों अपनी देसी वेरायटी का ही, जैसा लाल दिखाया था ना मैंने, उसमें वाइट कलर है। तो चलो ये भी खिला हुआ है, दिख गया आपको, वरना कई बार सारी शेड नहीं खिली होती। तो बिल्कुल आप इस तरह से प्लांट लगाओ, लाओ, और ये देखो ये सारे मैंने ना इधर जो धूप वाले प्लांट है धूप की तरफ ही रख रखे हैं, ताकि फ्लावरिंग अच्छी हो, क्योंकि जो फूल वाले पौधे होते हैं दोस्तों उनको खिलने के लिए ना थोड़ी सी सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, और जैसा कि मौसम में अब ठंडक आई गई है ना, दिवाली के आसपास हो ही जाती है,
तो बिल्कुल आप जब भी इन प्लांट्स को लाओ लगाओ तो थोड़ा सा धूप में रख दो जो फूलों वाले हैं, और जैसे मनी प्लांट वगैरह हो गए तो जैसे मैंने रख रखे हैं थोड़ा कॉर्नर सा बना के, हल्की सी धूप मिल गई, शेड भी मिल गई, है ना, पार्शियल सी सनलाइट मिल गई, तो वो बहुत रहते हैं। तो बस ये तो मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको, पीला गुलाब हम नया नया खिलाई है। और ये दोस्तों नेक्स्ट है अपना ये देसी गुलाब, ये भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत शुभ रहते हैं घर के लिए, देसी वाले जो गुलाब है अपने। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं दोस्तों जिनको कि आज आप धन संपत्ति से रिलेट करके देख सकते हो, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है आपके पास तो बिल्कुल आप लाके लगाओ, थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगी कि आपने त्योहार के दिन एक प्लांट लगाया है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजिकल इससे जुड़ गए, है ना, चाहे धन संपत्ति से लेके जुड़ जाओ तो उस प्लांट की केयर भी होगी, और दूसरा साइकोलॉजिकली हम थोड़ा सा ना स्ट्रोंग हो जाते हैं ऐसे प्लांट्स को लगा के। और नेक्स्ट प्लांट दोस्तों जो आजकल आया हुआ है मार्केट में, आपको बिल्कुल बहुत मिलेगा, नर्सरीज में मिल जाएगा, और ये गली में भी बेचने वाले आते रहते हैं, है ना, गेंदे की वेराइटी लेके मैरीगोल्ड्स की, तो वो भी दोस्तों बहुत शुभ है त्योहार के लिए। और गेंदे के फूलों की तो वैसे भी हम पूजा करते हैं, है ना, चाहे साल भर में कोई भी त्यौहार हो गेंदे के फूल तो आते ही रहते हैं, है ना, अगर हम अपने घर में लगा लेते हैं तो सबसे बढ़िया है ना, माला ला के लगानी नहीं पड़ेगी ना ऐसे रखने पड़ेंगे, हमारे तो गार्डन में फूल ही फूल होंगे। तो इस तरह भी दोस्तों अलग अलग कलर के आए हुए, जैसे वो हल्दी वाला पीला था, ये दूसरा ऑरेंज वाला पीला है, तो इस तरह से गेंदे की वैरायटी भी खूब आई हुई है मार्केट में, ये भी बहुत शुभ माने जाते हैं। तो धनतेरस के दिन दोस्तों आप ये भी लगा सकते हो, और बस फूल मत तोड़ना और क्या कहूँ, है ना, जो गार्डन में अपने खिले ही हुए हैं, है ना, वैसे भी तो घर में पूजा के लिए लाते हैं हम, लेकिन कई दिन तक चल जाते हैं फूल अगर खिले हुए हो, ये भी मेरे कई दिन से खिले हुए दोस्तों, अब मौसम भी थोड़ा ठंडक भरा हो गया है ना, तो एक एक फूल काफी दिन तक खिला रहता है, तो जरूरी नहीं है माला बनाने की, हमारे तो घर में ही खिले हुए हैं, है ना, भगवान जी ने खिला रखे हैं, ये हम सोचते हैं कि तोड़ के भगवान जी के बिल्कुल चरणों में चढ़ाएंगे, तो बिल्कुल दोस्तों भगवान है ना हर कोने कोने में है, हर कण कण में निवास करते हैं, तो इन्हीं के खिलाए हुए हैं, है ना, एक जगह से तोड़ के हम अगर वहां रख के आते हैं तो छोटा सा तो जीवन होता है फूल का, अगर वो भी हम खत्म कर देंगे तो, है ना, तो बिल्कुल अगर हम अपने घर में इस तरह के प्लांट लगा लें तो फूल खिले रहेंगे, हमें तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से गेंदे की भी बहुत सारी वैरायटी आजकल आई हुई है, तो वो भी आप लगा के आज के दिन को और भी ज्यादा शुभ बना सकते हो। शॉपिंग तो हमने घर नहीं करनी है, है ना, और एक आधा अगर हम प्लांट लगा देंगे तो और भी ज्यादा हमें अच्छा भी लगेगा। और ये वाला दोस्तों ये भी बड़ा शुभ माना जाता है दोस्तों, जाफरी वाला जो गेंदा होता है ना, इसमें भी बहुत शेड आई हुई है आजकल, पहले तो एक मेहरून और ब्लैक सी होती थी, है ना, याद है ना, लेकिन अब इसमें जाफरी वाले गेंदे में भी दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे शेड्स आई हुई हैं, लाइट लाइट कलर आए हुए हैं, उनमें शेडी वाला पोर्शन भी आया हुआ है, तो ये भी बहुत बढ़िया है धनतेरस के दिन अगर आपको गेंदे की कोई भी वैरायटी मिले। मैं ये नहीं बता रही, ये तो खैर मैं वैसे फूल खिला हुआ दिखा रही हूँ, खिला हुआ है तो, लेकिन हाँ गेंदा भी बहुत शुभ माना जाता है दोस्तों। तो जो भी मैंने आपको वैरायटी बताई है, शमी का प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया अपना, है ना, गुड़हल का प्लांट हो गया, देसी गुलाब हो गया वो मिल जाता है तो, और ये अपने गेंदे के प्लांट हो गए, तो ये सारे के सारे बहुत शुभ पौधे हैं। और भाई अभी खैर मौसम तो नहीं है इसको लगाने का, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत शुभ प्लांट माना जाता है, अगर आपको ये मिल जाता है कहीं बना बनाया, अब बीज से तो खैर मत लगाना, मार्च में लगाना, अपने इकट्ठे करके रख लेना बीज, जब आपके पास अगर ये प्लांट है तो। लेकिन दोस्तों इस प्लांट को भी धन से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि इसके फूलों का नाम नीलकंठ है, और कहते हैं आज भगवान नीलकंठ के रूप में जो हमारा पक्षी है उसके अगर दर्शन हो जाते हैं तो बहुत शुभ मानते हैं ना, धनतेरस से जोड़ के देखते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट का नाम ही नीलकंठ है, अगर आप इस प्लांट को भी आज लेके आते हो ना तो वाकई में धनलक्ष्मी की बहुत असीम कृपा रहती है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप इतने प्लांट लगाते हो, इतने शुभ मानते हो, तो आप पे कृपा होती है नहीं होती है, मैं वैसे ही बता रही हूँ मजाक में। हाँ दोस्तों बिल्कुल होती है, और रियल में आप ना लगाने के बाद फर्क महसूस करोगे, क्योंकि एक तो खुद मैं साइकोलॉजिकली उस चीज़ के साथ जुड़ जाती हूँ, है ना, तो वैसे ही अच्छा लगता है अंदर से सोच सोच के, और जब खुद से अंदर अच्छा लग रहा होता है तो बाहर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है दोस्तों, मेरा तो यही मानना है।
ज्यादा डीप में नहीं जाते इस बात में, क्योंकि ज्यादा फिर कॉन्ट्रोवर्शियल सी बातें होती हैं थोड़ी सी। तो बस यही है, अगर आप अंदर से खुश हो ना, तो रियली बाहर आपको सारा कुछ, सारा वातावरण खुशी खुश दिखाई देता है। और बस ये जो मैंने आपको वैरायटी बताई है, ये आप लाओ लगाओ। और गुलाब की भी दोस्तों आजकल बहुत वैरायटी आई हुई है, वो भी बहुत शुभ होती हैं। अगर उनमें से आपको देसी वैरायटी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, देसी फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और पूजा पाठ में भी हम यूज़ करते हैं, है ना, और अपने गार्डन में तो लगे हुए होंगे फूल, तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो बस दोस्तों मेरी यही सजेशन थी आपके लिए कि आप धनतेरस के दिन ये कुछ प्लांट लाओ लगाओ, लगे हुए हैं तो बहुत बढ़िया, उनकी सेवा करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।